वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास आज होगा। पंजाब असम्बली के सेक्रेटरीट ने इजलास का ज़ाब्ता इख़लाक़ जारी कर दिया, जिसके मुताबिक असम्बली के 40वें इजलास की अगली नशिस्त वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के लिए होगी। पंजाब असम्बली का इजलास दोपहर 4 बजे होगा, जिसमें स्टाफ और अराकीन के मेहमानों पर पाबंदी होगी। गैलरीज में भी कोई मेहमान नहीं आ सकेगा, तहम सहाफियों को मीडिया गैलरी से कवरेज की इजाज़त होगी। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 15 रुपए का इजाफा। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14.85 रुपए फी लीटर से 18.68 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया। वज़ीरे खजाना की जानिब से जारी करदा तफ्तीलात में बताया गया कि पेट्रोल पर 14.85 रुपए, हाई स्पीड डीजल 13.23 रुपए फी लीटर महंगा किया गया। बलोचिस्तान में मानसून का आगाज, आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान भाग जबकि 6 जख्मी। रिपोर्ट के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने के वाकयात बलोचिस्तान के जिला कोहोलो की सब तहसील तंबू के मुख्तलिफ मकामात पर पेश आया, जिसमें 2 अफराद जान भाग और 6 जख्मी हो गए। लेवेस हुकाम का कहना है कि जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उसके अलावा बारिशों और तेज हवाओं की वजह से कई इलाकों में बिजली के खंभे गिर गए, सप्लाई मुअत्तल हो गई, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट का आगाज। पीपल्स बस सर्विस का दूसरा रूट नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कुरंगी तक होगा, जिसके रूट में बस नागन चुरंगी, सोहराब गोट, गुलशन चुरंगी, नेपा, जोहर मोड़, ड्रग रोड, शाह फैसल कलोनी और लांडी से गुजरेगी। इससे कबल पहले मरहले में बस रूट 1 का इफ्तिताह किया गया, जिसमें बसें मॉडल कानूनी से शोहराब फैसल कैंट स्टेशन से होती हुई आराम बाग तक जा रही है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के मुताबिक इंट्रा सिटी के लिए UP मोड़ नॉर्थ कराची में बस डेपो कायम किया गया। मनसूबे के तहत कराची के 6 मुख्तलिफ रूट्स पर 200 से ज़ायद बसें चलाई जाएंगी।